नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भैया आप सभी लोगों के। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है अमृत सरोवर मिशन। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान सुनिएगा, अनअकैडमी पर लगातार हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं जिन्हें आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस दो प्रकार की हैं, फ्री क्लासेस भी हैं, पेड क्लासेस भी हैं। तो दोनों प्रकार की क्लासेस एक्सेस करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा सिविल इंडीपीडिया। इसके अलावा अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, वहां पर यूपीएससी सीएससी जीएस अपना गोल सेलेक्ट कीजिएगा और मेरा नाम सर्च कीजिएगा वरुण पचौरी और मुझे जाके फॉलो कीजिएगा और क्लासेस करने का मौका प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई तो डिस्कस करते हैं अमृत सरोवर मिशन को। तो हुआ क्या है, 15 अगस्त वर्ष 2023 तक हमने कुल मिलाकर 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है भाई, तो कब तक, 15 अगस्त 2023 तक कुल मिलाकर 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और यदि हम अब तक की बात करें तो अब तक यानी कि 9 महीने की अवधि में अब तक हमने 30,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया था 50,000 का, उसमें से 30,000 से ज्यादा तक के अमृत सरोवर हम यहाँ पर निर्माण कर चुके हैं। यानी कुल लक्ष्य का 60% जो है हम प्राप्त कर चुके हैं। अगर हम अमृत सरोवर मिशन की बात करें तो अमृत सरोवर मिशन को पिछले ही साल अप्रैल के महीने में 24 अप्रैल वर्ष 2022 को लॉन्च किया गया था। तो 24 अप्रैल वर्ष 2022 को अमृत सरोवर मिशन को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष हेतु भारत का जो आजादी का अमृत महोत्सव हो रहा है उसके समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। अब ये मिशन का उद्देश्य क्या है, एक्चुअल में अमृत सरोवर मिशन का जो उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना है और यदि कोई पुराना है तो उसका कायाकल्प करना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अमृत सरोवर मिशन की जो शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल वर्ष 2022 को शुरुआत की गई थी। लक्ष्य है 15 अगस्त वर्ष 2023 तक हम कुल मिला के 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण करना चाहते हैं और अब तक हमने 30,000 निर्मित कर लिए हैं। इसके अलावा इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल संकट की समस्या है उस जल संकट को दूर करना है, इसलिए प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या फिर उनका कायाकल्प करना है। अब भाई यदि हम अमृत सरोवर मिशन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो हमको यहाँ पर सरकार का एक संपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई देता है। जैसे कि केंद्र सरकार के कई सारे मंत्रालय हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए। तो केंद्र सरकार के 6 मंत्रालय और कई सारे तकनीकी संगठन जैसे कि भास्कराचार्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसके अलावा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ साथ मिलकर संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो राज्य हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे कई सारे तकनीकी संस्थान हो, चाहे केंद्र सरकार के मंत्रालय हो, ये सारे लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके इस मिशन को यहाँ पर सक्सेस कराने के लिए यहाँ पर पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं। अगर इन मंत्रालयों की बात की जाए तो इन 6 मंत्रालयों में आपको एक मंत्रालय देखने को मिलेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, एक मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, एक मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, एक है पंचायती राज मंत्रालय और एक है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ये सभी मंत्रालय मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अमृत सरोवर मिशन को यहाँ पर क्रियान्वित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो भाई ग्रामीण स्तर पर ये जो है आपका कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो बिना जन भागीदारी के तो इस कार्यक्रम का यहाँ पर जो सफलता है वो तो हमको संदेहास्पद देखने को मिलेगी। तो जरूरत किस चीज की है, जरूरत इस चीज की है कि यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जन भागीदारी होनी चाहिए। तो जन भागीदारी इस मिशन का मूल उद्देश्य है और इसमें सभी स्तरों पर भागीदारी शामिल है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर आपको जो स्वतंत्रता सेनानी दिखाई देते हैं, पंचायत के जो आपको सीनियर मेंबर दिखाई देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के जो परिवारों के सदस्य हैं, पद्म पुरस्कार विजेताओं आदि को शामिल किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को यहाँ पर जो है सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से हम लोगों के पार्टिसिपेशन को इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखा जाना चाहिए, साथ ही सार्वजनिक और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निकाय
पूरे भारत में कई अमृत सरोवरों के निर्माण और कायाकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है कि हर कंपनी को अपने रेवेन्यू का एक निश्चित हिस्सा क्या करना पड़ेगा, आपके CSR में खर्च करना पड़ेगा। तो उस CSR के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि अमृत सरोवरों के निर्माण और कायाकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। और काफी अगर देखें एक अभिनव उपाय है, यानी कि CSR का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा, गाँव में जल संकट का समाधान किया जाएगा, तो पीने के पानी की समस्या का समाधान तो होगा ही, खेती वगैरह के लिए भी यहाँ पर काफी फायदा होगा। और आप जो है कई सारे और भी कार्य कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम मछलियों की बात करें तो मछली पालन का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने की बात करें तो आपके लिए, जैसे कि पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था है जल पर काफी निर्भर कर जाती है, क्योंकि आपको खेती के लिए सिंचाई वगैरह की जरूरत पड़ेगी, मत्स्य पालन, बत्तख पालन इत्यादि की जरूरत पड़ती है, आपको पशुपालन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये जो जल संकट है उसको समाधान करेगा और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। तो जो पूर्ण किए गए सरोवर हैं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, मत्स्य पालन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बत्तख पालन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, सिंगाड़े की खेती हो सकती है, पशुपालन में सहयोग हो सकता है, तो इन सब माध्यमों से हमको ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलता हुआ दिखता है। साथ ही साथ इन गतिविधियों को प्रत्येक अमृत सरोवर से जुड़े विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भाई उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अमृत सरोवर मिशन हमारे गांव में अर्थव्यवस्था में यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और उम्मीद करते हैं ये अपने परिणामों को अतिशीघ्र हासिल करने में कामयाब होगा। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइएगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, UPSC CSE GS अपना गोल सेलेक्ट कीजिएगा, मेरा नाम सर्च कीजिएगा वरुण पचौरी, और वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों देखने को मिलेंगी। फ्री क्लासेस कूपन कोड लगाइएगा सिविल इंडिपीडिया CIVIL HINDIPEDIA। तो जब आप सिविल इंडिपीडिया कूपन कोड लगाएंगे तो आपको फ्री क्लासेस तो एक्सेस हो ही जाएंगी, पेड क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और जिसके लिए कूपन कोड लगेगा सिविल इंडिपीडिया तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पर सुबह 9 बजे मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है और शाम को 9 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है, तो आइए ज्वाइन कीजिए। चलिए भाई, मुलाकात करते हैं अकेडमी पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा।